बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और खाना अब हम लोगों ने खा लिया तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपको बाजार और घुमाती हूँ और दिखाती हूँ आपको लक्ष्मी चौक और जो लक्ष्मी चौक के लैंडमार्क है जो कि बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। काफ़ी टाइम के बाद मेरा भी चक्कर लगा है लेकिन अंदरून का एक बड़ा मज़ा आता है कि आपको यहाँ पर बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन अभी हमें थोड़ा दुखी भी हो रही क्योंकि एक पापा जी थे और इस एज में वो यू नो जिस तरीके से काम कर रहे थे मुझे बहुत दुख हो रहा था उनको देख कर। आई जस्ट होप कि वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश रहें और हमने उनकी पिक्चर्स ली वीडियोस ली और वो बहुत खुश हुए और जितना हम हेल्प कर सकते थे हमने उनको हेल्प किया। ये देखें जी ये कांजी वाला जा रहा है काफ़ी टाइम हो गया हम लोग भाई बात सुनो कांजी वाले भाई बात सुनो बात सुनो बात सुनो ये एक कांजी लेते हैं भला कैसी होती बहुत टाइम के बाद मैं कांजी ट्राई करने लगी हूँ। कितने की है कांजी 40 रुपए की आ जाए भाई मैं कांजी पीने लगी कांजी पीनी किसी ने पीनी है इसने पिया मजे की है इसने तो मुझे नहीं देख देना मैं खुद ही लेकर था ये लो भाई इसमें डाल दो मैं कांजी ये क्या है नमक ये कौन सा सफेद नमक है काला सफेद अच्छा काला और सफेद दोनों मिक्स किए हुए हैं और ओहो हो रेड कलर का एक और कप आया भाई कांजी का ये मिक्स हो रहा है भाई अरे सारे ब्लॉगर्स इकट्ठे हो चुके हुए हैं टी कप 40 रुपए का है और बचपन वाला मजे वाला देसा है लो वो देखो दीदी इतना मजे का तो होता है हो इतनी भी बुरी नहीं है बाजी कहा देना कांजी ये कांजी किसी को पसंद नहीं आई सवाए मेरे मुझे तो मजा आ रहा और नाजियों को भी मजा आ रहा है मुझे तो हाजमेदार लग रही है टेस्ट कैसे इतना गंदा सा टेस्ट है ना। तो गाइस हम लोग ना यहाँ पर अंदर आए हैं एक गली के अंदर और ये देखें ये कितना खूबसूरत स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर नजर आ रहा है मतलब मुझे ऐसा लगता है अंदरून की गलियों में अपनी खूबसूरती बेचारा खंडर बन गया हुआ कितना प्यारा है ना हाँ तो खंडर बन गया हुआ है लेकिन मैं लगता भाई रेनोवेट शायद कर रहे हैं कि भाई ये क्या है ये क्या है जगह पूछने पर बताया गया कि इस हवेली को अब लकड़ियों का गोडाउन बना लिया गया है। सच कहूं तो मुझे इसकी हालत पर अफसोस भी हो रहा था लेकिन इस हालत में देखने के बाद भी इसकी खूबसूरती की तारीफ किए बगैर ही नहीं रह पा रही थी। वो देख वो कहाँ पर पहुँच गई हुई है गलियों में घूमते घूमते ये हवेली जो है हम लोगों को वो नज़र आई जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। अब हम लोग जा रहे हैं लक्ष्मी चौकी तर क्योंकि अभी हम लोग निस्बत रोड पर थे जहाँ पर हम लोगों ने अमृतसरी हरीसा खाया है और ये पूरी गली में एक तरह से आप कह लोगे ये एक बिजनेस जैसे कि ये देखें अभी प्रिंटिंग प्रेस का काम हो रहा है इसके अंदर तो फिर ढूंढते ढूंढते हम एक और गली में एंटर हो रहे हैं पता नहीं अब ये गली जो है ये ज़रा साफ सुथरी सी गली लग रही है और यहाँ पर लग रहा है कि लोग रहते हैं और देखो एक और ये घर देखो ज़रा कहा यार नहीं ये वाला ये घर देख ये भी पुराना कोई घर लग रहा है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कितना प्यारा है हाँ ये देखो यार वाओ कितने खूबसूरत घर है ना ये देखो कितने अच्छे चुबारे बने हुए हैं। पिछली गली से निकलकर जब हम इस गली में दाखिल हुए तो मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि इस कदर खूबसूरत घर देखने को मिलेंगे ये कुछ ऐसा था जो मैं लाहौर में रहते हुए पहली मर्तबा देख रही थी। यार ये पूरी बहुत खूबसूरत घर बने हुए हैं बॉस और देखो इधर भी सारे पुराने घर बने हुए हैं वाह क्या खूबसूरती है भाई जिस जिस गली में हम लोग जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हैं हर घर इतना खूबसूरत दिख रहा है। अफसोस की बात ये थी कि ज़्यादातर घरों में ताले लगे हुए थे और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इन घरों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए ताकि लोकल टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके क्योंकि इससे हमारे हेरिटेज को मज़ीद महफूज किया जा सकता है क्योंकि मोस्टली घर यहाँ तो या तो बंद थे या फिर कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम अंकल ये क्या है जगह ये
ये जगह घर है बेटी, रहता कोई? बंद है। कोई भी नहीं रहता वो अंदर से देख सकते हैं या बिल्कुल बंद है? बिल्कुल बंद। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर काफी घर ऐसा ना जो जैसे पीछे हवेली भी थी वो बिल्कुल खाली पड़ी थी, पुराने घर। ये पुराना है ना, ऊपर बस रहे हैं। सही, तो ये किसी मतलब जॉइंट फैमिली यहाँ पर रह रही है या किसी सिंगल पर्सन? अच्छा, जिनको अल्लाह ने बड़े घर दे दिए उन्होंने जो ताला लगा लिया अपने, एक ये लगा हुआ है, एक वो लगा हुआ है, एक उस तरफ लगा हुआ है, दो उस तरफ लगे हुए। अच्छा, तो ऐसे छोड़ के चले गए हैं? ताले लगाए हैं। बहुत प्यारा घर है। कॉलेज ये देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अंदर तो नहीं मैं जा सकती, बट आप मोबाइल से दिखा रही है मैंने। मैक्लोड रोड, निस्पत रोड और एबट रोड के चौराहे पर मौजूद लक्ष्मी बिल्डिंग इस चौक की शान है। अफसोस के साथ इस पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी गई, वरना इसको महफूज करके लाहौर के हेरिटेज को मज़ीद खूबसूरत किया जा सकता था। इस चौक का नाम भी लक्ष्मी बिल्डिंग के नाम पर ही रखा गया था। माजी में लक्ष्मी चौक को सिनेमा और कल्चर के तौर पर जाना जाता था। अगर लक्ष्मी बिल्डिंग की हिस्ट्री की बात करें तो ये हिंदुस्तान हाई कोर्ट के पहले जज सर शादी लाल की हवेली बनी, जो कि 1930 में उन्होंने इसे लाला लजपत राय की लक्ष्मी इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को बेच दिया। इसके बाद इस बिल्डिंग का कुछ हिस्सा रिहाइश बना लिया गया और कुछ दफ्तर के काम के लिए इस्तेमाल किया गया। इस बिल्डिंग को लक्ष्मी दो वजूहात की वजह से कहा जाता है, एक तो ये कि इसको लक्ष्मी कॉरपोरेशन ऑन करती थी, दूसरा ये कि बिल्डिंग के सेंटर में गॉडेस लक्ष्मी की मूर्ति थी जिसको पार्टीशन के बाद हटा दिया गया। लक्ष्मी कॉरपोरेशन के लक्ष्मी नाम से दो बिल्डिंग्स हैं, जिनमें से एक लाहौर में मौजूद है और दूसरी कराची में है। और ये है ईश्वर दास बिल्डिंग, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात तो नहीं है, लेकिन अब इसको न्यू एज बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। आज भी इस बिल्डिंग की शान और शौकत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस बिल्डिंग के ऊपर वाले हिस्से में रिहाइश है और नीचे डिफरेंट शॉप्स हैं। क्या है? रिहाइश है? अच्छा, तो इसका रास्ता किस साइड पे है? ये रास्ता? अच्छा, ये सारे ऊपर रिहाइश है? फैमिली रहती है? अच्छा, खाली भी है? अंकल कितने साल पे ये काम कर रहे हैं? 50 साल से ऊपर हो गए? अच्छा, तो 71 तो लेके हूं तक तुम की फर्क लगता है, की चेंजेस आई ने? ते किन्ने च कर दे हो हेयर कट? किन्ने च कर दे हो? ते शेव सारी चीजा 150-150 रुपए दिया? ते इत्थे तुसी किसे नु पैसे भी देंदे हो या किन्ना? ओके,
सही गल गल सही है। शुक्रिया बहुत बहुत बाजी। 1937 तबाक। मुख्तरसन बात की जाए तो लक्ष्मी चौक हमेशा से लाहौर का दिल रहा है, जो कि कई दहाइयों से बिजनेस, एंटरटेनमेंट और खानों का मरकज रहा है। बदकिस्मती से इस हेरिटेज को जिस तरह से रखना चाहिए था वैसा नहीं रखा गया, लेकिन आज भी इन इमारतों की शान और शौकत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।